भारतीय वायुसेना ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिसे देखकर दुनिया हैरान हो गई है। भारत ने अपने लड़ाकू विमान से दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रह्मोस मिसाइल को दोबारा दाग दिया है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका नाम आते ही पाकिस्तान में अजीब सी हलचल मच जाती है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। वायुसेना ने बयान में कहा कि मिसाइल का परीक्षण नौसेना के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल ने सटीकता से लक्ष्य पर निशाना साधा। इस मिसाइल का परीक्षण भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया। आपको जानकारी दे दें कि कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर रही है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी हमारे लड़ाकू विमान हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। हो सकता है कि ये परीक्षण इसी संबंध में हो, लेकिन वायुसेना और सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग अलग वर्जन का परीक्षण समय समय पर किया जा रहा है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में ही ब्रह्मोस का हवा, जमीन और समुद्र से सफल परीक्षण कर लिया है। ब्रह्मोस भारत की इकलौती मिसाइल है जिसे हवा, पानी, जमीन कहीं से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। इससे पहले ट्रायड की क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और कुछ हद तक फ्रांस के पास मौजूद थी, लेकिन अब ये खतरनाक क्षमता भारत के पास भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिग, तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों में तैनात करने की भी योजना है। इसके अलावा सबमरीन्स में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण भी किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ब्रह्मोस मिसाइल कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ती हैं, ताकि वो दुश्मन के रडार को धोखा दे सके। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है और ये चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती हैं। ब्रह्मोस रडार के अलावा किसी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को भी धोखा देने में सक्षम है।